हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है 3-बिट सिंक्रोनस अप एंड डाउन काउंटर। सो लास्ट लेक्चर्स में हमने सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस दोनों ही तरीके के काउंटर्स पढ़े। उसमें हमने सिंक्रोनस में अप एंड डाउन दोनों काउंटिंग करी थी और असिंक्रोनस के केस में भी हमने अप काउंटर एंड डाउन काउंटर परफॉर्म किया था, बनाया था। ओके तो वहाँ हम इंडिविजुअल लेवल पे आप कह सकते हैं कि अप काउंटिंग और डाउन काउंटिंग पढ़ रहे थे, या जो भी हमने सर्किट बनाए वो अप काउंटिंग कर रहे थे या सिंक्रोनस केस में डाउन काउंटिंग कर रहे थे। बट आज जो हम सर्किट पढ़ने जा रहे हैं वो आपके इन दोनों ही ऑपरेशंस को एक साथ परफॉर्म करता है। एक साथ मीन्स एक ही सर्किट अप काउंटिंग भी कर सकता है और डाउन काउंटिंग भी परफॉर्म कर सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक कंट्रोल सिग्नल यूज करते हैं और जिस कंट्रोल सिग्नल को बोला जाता है यहाँ पर M। तो हमने वहाँ नोटिफिकेशन दिया है उसको M। तो M डिसाइड करेगा कि आप डाउन काउंटिंग कर रहे हैं या अप काउंटिंग कर रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर दो लाइंस लिखी हैं कि व्हेन M इक्वल टू जीरो, अगर आपके M की वैल्यू जीरो है, आप जीरो दे रहे हैं उस सिग्नल पे, देन द काउंटर विल परफॉर्म अप काउंटिंग। तो आपका जो सर्किट है, जो आप कंप्लीट सर्किट बना रहे हैं, वो अप काउंटर की तरह बिहेव करेगा। ओके इफ, और सेकंड कंडीशन मतलब जब m की वैल्यू 1 है, सो व्हेन m इक्वल टू 1 देन द काउंटर विल परफॉर्म डाउन काउंटिंग। तो यहां पर आपका जो सर्किट है वो डाउन काउंटिंग को परफॉर्म करेगा। तो हम यहां पर एक 3-बिट काउंटर डिजाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली एक 3-बिट काउंटर आपके 0 टू 7 तक काउंट करके आपको देता है। ओके तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में देखिए जो इनिशियल स्टेट है आपकी, जो स्टार्ट होगी काउंटिंग कहाँ से होगी, 000 से। ओके तो अगर आप अप काउंटिंग करें तो देखिए पहले हम स्टार्ट करते हैं अप काउंटिंग। तो अप काउंटिंग में कंडीशन क्या है कि m की वैल्यू 0। तो अगर आप m की वैल्यू 0 दे रहे हैं, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो काउंटिंग कहाँ से जाएगी अप काउंटिंग के लिए, 0 to 1। तो देखिए ये 1 हो गया। ओके नेक्स्ट 1 से बात कहाँ जाएगी, वो 1 से 2 पे। तो आपने जब m इक्वल टू 0 सिग्नल दिया तो काउंटिंग आपकी 0 to 1 गई। देन नेक्स्ट क्लॉक पे 1 to 2, तो ये 2 है आपका, ठीक है, 2 to 3, ये 3 काउंट किया। m इक्वल टू 0 कंडीशन चल रही है, ये एरो मेंशन कर रहे हैं कि आप कैसे जा रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं। देन अगेन m इक्वल टू 0 पे 3 to 4 आप गए, देन 4 to 5, 5 to 6 एंड 6 to 7। अगेन अब ये आपका 3-बिट काउंटर ही है, तो 7 के बाद वो नेक्स्ट काउंटिंग क्या देगा आपको, 0। ओके नेक्स्ट सेकंड जो एरो यूज किए गए, देखिए 0। अब डाउन काउंटिंग आपको करनी है तो मैक्सिमम आप काउंटिंग यहां 7 कर सकते हैं। तो 0 के बाद क्या आएगा, 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, इस तरीके से आपकी ये काउंटिंग होगी। तो देखिए m इक्वल टू 1 जब आपने कंडीशन रखी है, तो 0 से कहां जा रहा है वो, 7 पे। देन नेक्स्ट m इक्वल टू 1 पे कहाँ जा रहा है, 7 to 6। देन m इक्वल टू 1, 6 to 5, 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1 एंड 1 to 0। तो ये आपका 1 है। ओके सो आई होप ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम m इक्वल टू 0 के लिए अप काउंटिंग परफॉर्म कर रहे हैं और कैसे हम m इक्वल टू 1 के लिए डाउन काउंटिंग परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? तो देखिए अब जैसा हमें मालूम है कि सिंक्रोनस काउंटर्स को डिज़ाइन करने के लिए हम क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, वहाँ पर हमें एक टेबल बनानी होती है जहाँ पे आपकी प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और कौन सा फ्लिप फ्लॉप आप यूज़ कर रहे हैं उसके आउटपुट्स, और हम किसकी हेल्प से उन टेबल्स को परफॉर्म करते हैं या बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन टेबल। तो देखिए जल्दी से अब हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि किस तरीके से टेबल्स बनती हैं। ओके तो आप देखिए यहाँ पे पहले हम एक चीज समझते हैं, पॉइंट ये है कि आपके पास कितनी बिट्स हैं, आपके पास 3 बिट्स हैं। तो हमने सपोज इनको नाम दिया Q2, Q1, Q0। ओके तो यहाँ पे, ओके यहाँ पे हमने Q3 ले रखा है, तो कोई बात नहीं। तो हमने क्या नाम दिया इनको, Q3, Q2 और Q1, ठीक है। और फोर्थ जो सिग्नल है हमारा वो क्या है आपका, M। तो यहाँ पर ये M लिखा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ टोटल जो इनपुट्स हैं वो हो गए 4, जो कि हैं आपके m, q3, q2, q1। तो ये 4 इनपुट्स हैं आपके, और ये 4 इनपुट्स के बेसिस पे ही आपकी ये टेबल बनेगी।
एंड देन हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो फोर इनपुट्स का मतलब क्या है, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2n यानी कि 16। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाएगी, आप इस टेबल को कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, 2n हमने पढ़ा है, n यहाँ पर 4 है, तो ये कंडीशन बनेगी 16। तो हमारी नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 to 15। क्लियर। देखिए m, q3, q2, q1 इन चारों को आप पढ़ेंगे, तो पहली वाली जो हम यहाँ पे डेसिमल में लिख लेते हैं क्या है ये, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। तो आपको काउंटिंग 7 तक ही करनी है। देखिए m इक्वल टू 0 जब आप कर रहे हैं तो आप काउंटिंग कर रहे हैं, देखिए ये कितना है 0 0 0 यानी कि 0, और ये कितना है 0 0 1। क्लियर। तो 0 से 1, 1 से 2 ये 2 है, देन 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 एंड देन अगेन 7 से 0। क्लियर। तो अब काउंटिंग पूरी हो गई, तो यानी कि m इक्वल टू 0 की सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई, और ये वैल्यू कहां तक गई, 7 तक। तो ये कॉम्बिनेशन जो बना 0 1 1 1 ये क्या है आपका 4 बिट में 7। अब 7 के बाद क्या आएगा, 8। तो देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या बन जाएगी, 8 कैसे लिखते हैं, 1 0 0 0, तो m इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा 1। अब आप डाउन काउंटिंग कर रहे हैं, सो m इक्वल टू 1, और अगर पहली बिट क्या है आपकी 0 0 0, तो नेक्स्ट क्या आएगा 1 1 1 यानी कि 7। सो 0 to 7, नेक्स्ट है आपका 1 1 to 0, ये आपका 0 है। ऊपर देखिए वैल्यूज, Q3 Q2 Q1, तो ये क्या है आपकी, ये है आपकी प्रेजेंट स्टेट, और Q3 star Q1 star Q1 star क्या है आपके नेक्स्ट स्टेट। ओके, तो देखिए ये क्या है 2 2, से आप कहां गए 1 पे, ये आपका 3 3, से आप गए 2 पे, 4 से आप गए 3 पे, 5 से आप गए 4 पे, 6 से आप गए 5 पर, और 7 से आप गए 6 पर। क्लियर। और इन सब के लिए m की वैल्यू क्या रहेगी, 1। तो देखिए 0 से 7 तक की काउंटिंग भी हो गई, तो यानी कि जो ये टेबल है वो कंटिन्यू चल रही है, 0 to 7 यहां तक गई, और उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 and 15। क्लियर। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम m इक्वल टू 0 के लिए अप काउंटिंग कर रहे हैं। अप काउंटिंग में ये हमारी प्रेजेंट स्टेट है, ये हमारी नेक्स्ट स्टेट है। तो अप काउंटिंग में ऊपर को काउंटिंग होगी 0 to 1 1 to 2 2 to 3 2 to 4 5 to 6 6 to 7 and 7 to 0। ओके, नाउ अब देखते हैं कि वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास 3 बिट काउंटर बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास 3 फ्लिप फ्लॉप होंगे, तो उन फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट क्या हैं आपके, T3 T2 and T1। ओके, T3 T2 T1। अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हम कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन टेबल। तो देखिए टी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल क्या कहती है, ये आपको याद होनी चाहिए कि अगर दोनों इनपुट सेम है, क्यू एन मतलब प्रेजेंट स्टेट भी 0 है, नेक्स्ट स्टेट भी 0, तो आउटपुट क्या होगा, टी का 0। अगर 1 है एंड नेक्स्ट स्टेट भी 1 है, तो आउटपुट क्या होगा, 0। और अगर दोनों डिफरेंट है, एक 0 है और एक 1 है, या 1 और 0 है, तो आउटपुट क्या होगा, 1। तो सिंपली यही कंसिडर करके आपको यहां पे वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए Q3 एंड Q3 स्टार इसको आपस में कंपेयर करिए, देखिए 0 0 आउटपुट 0 आ गया, 0 0 आउटपुट 0 है, 0 0 आउटपुट इज 0, 0 1 देखिए दोनों इनपुट की वैल्यू क्या है, 0 1 यानी डिफरेंट है, तो आउटपुट 1 आ गया, 1 1 तो आउटपुट 0 आ गया, 1 1 आउटपुट इज 0, 1 1 आउटपुट इज 0, Q3 इज 1, Q3 स्टार इज 0 एंड आउटपुट इज 1। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप वी कैन सेलेक्ट द आउटपुट वैल्यूज, और वी कैन से द वैल्यूज ऑफ T3। क्लियर। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट में देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी
एक्सेप्टेबल मैंने यूज कर रखी है, तो आप यहाँ पे Q3 और Q3 स्टार की वैल्यूज को कंपेयर करके, मैं आपके एक T3 की वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूँ और T1 की वैल्यू को, T2 की वैल्यू आप खुद कैलकुलेट करिएगा। तो देखिए 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 है 1 1 0 1 1 is 0 1 1 is 0। क्लियर? तो अब जल्दी से T1 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम Q1 और Q1 स्टार को कंपेयर करके। तो देखिए यहां पर 0 1 1 आएगा, 1 0 0 1 आएगा, 0 1 1 1 0 1 आएगा, 0 1 1 1 0 1 आएगा, 0 1 1 1 0 1। तो देखिए सारे T1 की वैल्यूज क्या हैं आपकी, 1 है। ऐसे ही नेक्स्ट m=1 के लिए भी देख लेते हैं। देखिए 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1। तो देखिए यहां पर भी T1 की सारी वैल्यूज आपकी क्या हो गई, 1 आ गई। क्लियर? सो आई होप T3 की वैल्यू और T1 की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करी ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप T2 की वैल्यू यहाँ से मतलब खुद कैलकुलेट करिएगा, देन वेरीफाई कीजिएगा कि यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी वही आपके आउटपुट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ओके, सो आई होप ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये स्टेट टेबल कैसे मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, सेकेंड ये टेबल हमने कैसे बनाई ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम विद द हेल्प ऑफ के मैप इन T3, T2 और T1 की वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये कैसे करेंगे, हमारे पास इनपुट क्या है, M, Q3, Q2, Q1। तो ये चार इनपुट्स हैं हमारे पास। तो डेफिनेटली हम कैसा के मैप यूज करेंगे, हम यूज करेंगे 4-वेरिएबल के मैप। ओके, तो ये देखिए आपके 4-वेरिएबल के मैप यहाँ पर डिजाइन किए गए। तो आपके इनपुट्स क्या है, M, Q3, Q2, Q1, ये आपके इनपुट्स हैं और आप 3 आउटपुट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, T3, T2 एंड T1। ओके, तो 1 by 1 देखिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले T3 की वैल्यू देखते हैं। देखिए डेसिमल नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पर लिखी रखे हैं, 0 to 7 ये है आपका, एंड देन 8 to 15 ये है। तो हम इन वैल्यूज को यहाँ पढ़ लेंगे और जाके के मैप में पुट करेंगे। तो देखिए T3 1 कहाँ पर है, 3 पे और 7 पे। तो इस टेबल में 3 और 7 पे, ये दोनों टेबल सेम है, कंटिन्यूम है, मतलब कंटिन्यूस मोड में है ये, 7 के बाद 8 है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये दोनों अलग अलग टेबल्स हैं, दोनों एक ही टेबल है। तो हम T3 के आउटपुट्स को यहाँ से पूरा 0 से लेके 15 तक चेक करेंगे कि वो कहाँ पर 1 है। और देखिए T3 कहाँ 1 है, T3 आपका 8 पे 1 है एंड T3 आपका 12 पे 1 है। तो T3 आपका 3 7 8 12, T3 आपका कहाँ कहाँ पे 1 है, 3 7 8 एंड 12। ओके, 3 7 8 12। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। तो अब इसको हम के मैप में पुट कर देते हैं। देखिए अगर मैं सिंपल यहाँ अंदर वैल्यूज पुट कर दूं जल्दी से, तो 0 1 2 3 4 5 6 7। आप जब भी के मैप सॉल्व करें आप यही टेक्निक अपनाइए, जल्दी से अंदर सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए ताकि आपकी जो वैल्यू आपको के मैप में रखनी होती है वो कभी भी गलत ना हो। ओके, सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर ली। क्लियर? अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको मैपिंग करनी है। देखिए 3 7 8 12 यहां आपने 1 रख दिए और बाकी सारी वैल्यूज क्या होंगी आपकी, 0। ओके, तो T3 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी कि 3 7 8 12 पे वो 1 है, हमने T3 के लिए के मैप बनाया 4-वेरिएबल का और वहां पर इन वैल्यूज को पुट कर दिया। अब हम यहाँ पे पेयरिंग कर लेंगे, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि दो ही पेयर बन रहे हैं, मतलब ये 2 का एक पेयर बन जाएगा 2 वैल्यूज का, 3 और 7 का एक पेयर बन रहा है एंड 8 एंड 12 का एक पेयर बन रहा है। ओके, तो अब देखिए इनके आगे की वैल्यूज कैसे रीड करते हैं, हमने के मैप में पढ़ा था। तो इसकी अगर रो को देखें तो यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है हमें, Q2, Q1,
Q1, और अगर हम इसके सॉरी इसके कॉलम को अगर हम देखें तो Q2 Q1 मिल रहा है, अगर रोज की तरफ जाएं तो क्या मिल रहा है हमें M बार Q3 बार एंड देन दिस वन इज M बार Q3। ओके, तो यहां रो में मुझे क्या कॉमन मिला Q2 Q1, और जब सॉरी कॉलम में Q2 Q1 और रो में क्या कॉमन मिला M बार। तो यहां पे अगर हम रो को कंपेयर करें इसको और इसको, तो यहां पे कॉमन क्या है M कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए M कॉम्प्लीमेंट इनटू Q2 Q1 Q2 Q1 क्लियर। अब अगर हम इस पेयर की बात करें तो यहां पे क्या आएगा M Q3 M Q3 बार, और अगर हम इसके कॉलम की बात करें तो यहां क्या आएगा Q2 कॉम्प्लीमेंट Q1 कॉम्प्लीमेंट। तो Q2 बार एंड Q1 बार, और अगर हम रोज की बात करें तो क्या आएगा M Q3 इस रो के लिए और M Q3 बार इस रो के लिए। तो देखिए यहां क्या कॉमन है, इस कॉलम में क्या कॉमन है, इस कॉलम में कॉमन है आपका Q2 बार Q1 बार Q2 बार Q1 बार। ओके, एंड अगर हम रो की बात करें तो देखिए क्या कॉमन है M, तो आपने क्या लिखा यहां पे M Q2 बार Q1 बार। क्लियर, सो M Q1 बार Q2 बार प्लस M कॉम्प्लीमेंट मतलब M बार Q1 Q2। ये हमने T3 के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ओके चलिए अब देखते हैं T2 में कौन कौन सी वैल्यूज आपकी हाई है, 1, 3, 5, 7। तो T2 की वैल्यू यहां हुई आपकी 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14। ओके सो 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 और 14। ओके तो अब हम T2 की वैल्यू को पुट करते हैं, यहां पे मैं मार्क कर देता हूं पहले अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो देखिए क्या क्या पुट करना है हमें, 1, 3, 5, 7, ये 1, 3, 5, 7 सॉरी 8, 10, 12, 14 8, 10, 12 एंड 14। क्लियर, देखिए यहां दो क्वाड बन रहे हैं, एक आपका ये 4 का ग्रुप बन रहा है और एक आपका ये 2 और ये 2 एक 4 का ग्रुप यहां बन रहा है। क्लियर है, देखिए ऊपर क्या आएगा यहाँ पर Q2 बार Q1 Q2 Q1 क्लियर, यहाँ आएगा MQ3 बार। ओके तो इसको भी लिख लेते हैं, ये होगा आपका M बार Q3 बार M बार Q3। चलिए तो अभी देखते हैं यहाँ पे इन कॉलम्स में, देखिए यहाँ पे इन दोनों में कॉलम में क्या कॉमन है आपका Q1, तो आपने यहाँ कॉलम में लिख लिया Q1। इन दोनों रोज में क्या कॉमन है आपका M कॉम्प्लीमेंट M बार। ओके अगर आपको के मैप में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप के मैप का लेक्चर देख सकते हैं, वहां से आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे सारे। तो इन दोनों रोज में आपके M कॉम्प्लीमेंट कॉमन है एंड देन इस दोनों कॉलम्स में आपका Q1 कॉमन है। अब अगर हम इस सेकेंड वाले की बात करें जो हमारा 4 का एक ग्रुप बन रहा है, तो यहां पर रोज में M कॉमन है इस रो में और इस रो में M कॉमन है, और अगर हम कॉलम्स की बात करें तो ये है आपका Q2 कॉम्प्लीमेंट Q1 कॉम्प्लीमेंट Q2 Q1 बार। तो देखिए Q1 बार यहां कॉमन है इसमें और इसमें क्या कॉमन है आपका Q1 बार। क्लियर, तो देखिए हमने T2 का आउटपुट क्या लिखा M बार Q1 M बार Q1 प्लस M Q1 बार। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा
T3 की वैल्यू कैसे निकाली, T2 की वैल्यू कैसे आई, विद द हेल्प ऑफ के मैप हमने वैल्यूज पुट करी फ्रॉम द ट्रुथ टेबल एंड देन हमने उनकी मैपिंग करके ग्रुप में उनको असाइन किया और देन हमने उसके आउटपुट को लिख दिया। क्लियर। नाउ अब अगर हम T1 की बात करें तो देखिए T1 में सारी वैल्यूज 1 है, मींस 0 टू 7 1 है एंड देन 8 टू 15 भी आपका 1 है। क्लियर, 8 टू 15 आपका 1 है। देखिए आपने हर जगह 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हर जगह आपने 1 रखा और आपने एक 4 का सॉरी 16 का पूरा एक ग्रुप बनाया और वैल्यू क्या हो गई 1। तो यह मालूम है कि जब पूरा ही केमैप आपका फिल होता है 1 से तो आपका आउटपुट हमेशा क्या आता है 1। तो ये तीन आउटपुट्स आपके आ गए T1 T2 T3। नाउ अब आप विद द हेल्प ऑफ 3 फ्लिप फ्लॉप्स यानी 3 T फ्लिप फ्लॉप हम यूज करेंगे और ये जो बेसिक गेट्स हमें मिले हैं उनको हम उनके बीच में आपस में कनेक्ट करेंगे। तो हमें करना क्या है, T3 जो हमारा फ्लिप फ्लॉप होगा, सपोज ये हमारा T3 है, इसका आउटपुट होगा Q3 बार। ओके, सो T3 जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है उसके जो इनपुट पे असाइन होगा लॉजिक वो क्या होगा, वो होगा M Q2 Q1 M Q2 Q1। क्लियर। तो देखिए अब बनाते हैं, तो ये लॉजिक आप तीनों लिख लीजिए कहीं कॉपी में और उसके बाद जो मैं सर्किट आपको समझाने जा रहा हूँ उसके साथ उसको आप मैच कराइए। चलिए तो देखिए ये है T3 की वैल्यू क्या थी हमारी, सॉरी T2 एंड T1। तो T1 की वैल्यू क्या थी 1, विच देखते हैं कि T1 की वैल्यू क्या है 1। तो हमने T1 के इनपुट पे क्या अप्लाई कर दिया, लॉजिक 1। ओके, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड ये फ्लिप फ्लॉप्स हैं, सिंक्रोनस हैं तो तीनों में क्लॉक सेम होगी। देखिए ये क्लॉक जो जा रही है, ये क्लॉक एंड ये वाली क्लॉक, ये तीनों क्या है आपकी सेम है, तो ये आपका सिंक्रोनस काउंटर है पहली चीज। दूसरा टी फ्लिप फ्लॉप, T1 फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे क्या अप्लाई है 1, तो हमने आपको लॉजिक 1 से कनेक्ट कर दिया। ओके, ये M हमारा कंट्रोल सिग्नल है, तो ये जो सीधी लाइन है ये M को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो हमने इन्वर्टर की हेल्प से क्रिएट किया है ये आपके M कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, सो अगर आप M की वैल्यू 0 रखेंगे तो इस वाली लाइन पे क्या चला जाएगा 0 और इस पे क्या चला जाएगा 1। अगर आप M की वैल्यू 1 रखेंगे तो ऊपर 1 जाएगा और नीचे क्या जाएगा 0। अब ये देखिए आपने यहाँ कनेक्ट कर रखा है, तो हम T2 की वैल्यू देखते हैं क्या थी हमारी। तो हमारी T2 की वैल्यू थी M कॉम्प्लीमेंट Q1 प्लस M Q1 बार, मींस M Q1 बार प्लस M बार Q1। तो हमें एक और गेट चाहिए और दो एंड गेट चाहिए। क्लियर, तो हमें पहले आउटपुट क्या जनरेट करना है, M Q1 बार। तो देखिए M ये एरो, ये हमने कनेक्शन ले लिया यहां से, M इसके साथ चाहिए Q1 बार। तो देखिए ये Q1 बार है, ये Q1 बार आ गया। क्लियर, तो ये आपका M आ गया, ये Q1 बार आ गया, एंड ऑपरेशन किया आपने, जैसे यहां पर एंड ऑपरेशन है। दूसरा ऑपरेशन क्या है आपका, M बार Q1। तो आपने ऊपर से लिया, सॉरी नीचे से लिया ये M बार, इसको किससे कनेक्टेड एंड ऑपरेशन कराया Q1 से, देखिए ये वायर जा रहा है Q1 का, इन दोनों को आपने एंड ऑपरेशन करा दिया प्लस और गेट। तो आपने इन दोनों ही इनपुट्स को, देखिए एक इनपुट यहाँ से ऊपर कुछ गया और एक इनपुट ये है, इन दोनों इनपुट को आपने क्या किया और किया और किसके इनपुट पर अप्लाई कर दिया, T2 के, तो ये आपका T2 है। क्लियर, तो ये सेकेंड फ्लिप फ्लॉप है T2, इसके इनपुट पे आपने ये अप्लाई कर दिया। ओके, क्लॉक सेम आ रही है, Q2 आउटपुट निकलेगा, Q2 बार आउटपुट निकलेगा। क्लियर। नाउ अब T3 की बात करते हैं, देखिए T3 में क्या आउटपुट था आपका, M Q1 Q2 प्लस M Q1 Q2 बार प्लस M
Q1 bar, Q2 bar. क्लियर? तो सिंपल है, देखिए अब आपको T3 के लिए इनपुट जनरेट करना है तो आप क्या करेंगे, M bar Q1 Q2. तो ये जो आपका आउटपुट जनरेट हो रहा है जो हमने इससे पहले किया था वो क्या था, M bar Q1, तो आप M bar Q1 को डायरेक्ट ले गए और किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, Q2 के साथ. So, M bar Q1 into Q2. तो ये आउटपुट जनरेट हो गया. सेकेंड है आपका M Q1 bar into Q2 bar. तो देखिए नीचे वाला जो आपका आउटपुट था वो क्या था, M Q1 bar. तो ये M Q1 bar आपका ये गया, क्लियर, ये गया. और M Q1 bar को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, Q2 bar के साथ. किसके साथ मल्टीप्लाई किया, Q2 bar. ये आपका Q2 बार के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है. देन आपने और ऑपरेशन यूज किया, तो आपने क्या किया, इसको और इसको आपस में और ऑपरेशन अप्लाई कर दिया इनके बीच में, क्लियर, और ऑपरेशन अप्लाई कर दिया और इसको आपने T3 के इनपुट पे अप्लाई कर दिया. तो T3 के इनपुट पे आपने इसे अप्लाई कर दिया. ओके, सो आई होप ये कंप्लीट सर्किट आपको समझ में आ गया होगा, इसके पीछे की हिस्ट्री, ये कैसे डिजाइन किया गया, किस तरीके से. एक बार हम क्विक रिविजन करते हैं. हमने सबसे पहले क्या किया, हम पहले समझा कि हम बनाना क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से स्टेट्स मूव करेंगी, एम की किस कंडीशन पे हम अप काउंटिंग करेंगे, किस पे हम डाउन काउंटिंग करेंगे. सो एम इक्वल टू 0 पे अप काउंट करेंगे, एम इक्वल टू 1 पे डाउन काउंटिंग करेंगे, क्लियर. नाउ उसके बाद हमने टेबल बनाई. अच्छा, m की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, आप m इक्वल टू 0 पे डाउन काउंटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए क्या होगा, अब आपने यहाँ पे m इक्वल टू 0 लिया है तो डाउन काउंटिंग में क्या होगा, 0 के बाद 1 नहीं आएगा, 0 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, और फिर उसी तरीके से आपकी ये टी फ्लिप फ्लॉप विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन टेबल आप डिजाइन करेंगे. ओके, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि m की वैल्यू यही होगी तो ऐसा बनेगा. डेफिनेटली m इक्वल टू 1 पे आप अप काउंटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो टेबल है इसका पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, क्लियर. अभी टेबल बनाने के बाद हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ के मैप इसको सॉल्व किया और देन ये प्रॉपर हमने कनेक्शन कर दिया, क्लियर. तो अब विद द हेल्प ऑफ टाइमिंग डायग्राम हम ये समझ लेते हैं कि हमने कैसे किया. तो देखिए m इक्वल टू 0 पे आपकी अप काउंटिंग हो रही है, तो डेफिनेटली काउंटिंग कैसे होगी, 0 0 0 और उसके बाद 001. तो ये 001 आपका क्या हो गया, 1 काउंट हो गया. 010 पे आपका 2 काउंट हो गया. तो इस तरीके से हमारी काउंटिंग आपकी इंक्रीज होती जाएगी, क्लियर. तो m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1 के लिए हमने ये दोनों ग्राफ यहाँ पे बनाए हैं, टाइमिंग डायग्राम. तो जिस तरीके से आपकी क्लॉक आएगी, निगेटिव एज क्लॉक है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 जो एरोज हैं ये आपके नेगेटिव एज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे ही क्लॉक का ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा वैसे ही आपके फ्लिप फ्लॉप्स वर्क करेंगे. तो ये 0 से 1 2 3 4 5 6 7, देखिए कैसे रीड करेंगे आप इसको, Q3 Q2 Q1 Q3 Q2 एंड Q1. तो देखिए सपोज मैं इस वाले को रीड करता हूँ, तो Q1 की वैल्यू कितनी है, 1, Q2 की वैल्यू 1, Q3 की वैल्यू 0, तो कितना हो गया, 1, 2, यानी कि 3. ओके, तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7. सेम इसी तरीके से m इक्वल टू 1 के लिए डाउन काउंटिंग होगी, तो देखिए 0 से 1, 1, 1 पे जाएगा, 0, 1, 1, मतलब 7, 7 टू 6, 6 टू 5, 5 टू 4, 4 टू 3, 3 टू 2, 2 टू 1, क्लियर. अब देखिए ये हो कैसे रहा है, मतलब ये टाइमिंग डायग्राम कैसे बने, तो उसके लिए हम सिंपल ये ऐसे समझ सकते हैं, हमें कंडीशन किसकी चेक करनी है, m इक्वल टू 0 की या m इक्वल टू 1 की. ओके, तो दो कंडीशन बनेंगी. तो m इक्वल टू अगर 0 है तो डेफिनेटली m कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1, और अगर m की वैल्यू 1 है तो m कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0, क्लियर. तो देखिए कंडीशन क्या है, पहली फर्स्ट केस क्या है, थ्योरी पोर्शन में अगर आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आप ये दोनों केस डिफाइन कर सकते हैं. मैं पहले केस 1 और केस 2, तो केस 1 पहले डिस्कस करते हैं. व्हेन m इक्वल टू 0 तो डेफिनेटली m कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. तो हमने T3 T2 T1 की जो वैल्यूज निकाली हैं, कैलकुलेट की हैं, वहां पर हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं.
एम इक्वल टू जीरो है तो एम बार वन हो जाएगा, तो देखिए एम बार इंटू क्यू टू क्यू वन वन हो जाएगा ये, तो क्या बचेगा क्यू टू क्यू वन, यहाँ पे एम की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा, तो आउटपुट क्या बचेगा सिर्फ क्यू टू क्यू वन। टी टू इक्वल टू एम बार क्यू वन प्लस एम क्यू वन बार, तो एम की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, एम बार वन हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा क्यू वन। क्लियर, तो इसका मतलब क्या है टी टू किससे कनेक्ट होगा क्यू वन से, टी टू डायरेक्ट किससे कनेक्ट होगा क्यू वन से, एंड देन टी थ्री किससे कनेक्ट होगा क्यू टू इंटू क्यू वन, क्यू वन इंटू क्यू टू टी थ्री से कनेक्ट होगा, क्यू वन एंड क्यू टू से टी थ्री कनेक्ट हो जाएगा। ओके सो ये हो जाएगा आपका अप काउंटिंग के लिए। तो जिस तरीके से आप क्लॉक अप्लाई करेंगे लॉजिक चेंज होगा फिर वो एग्जीक्यूट करेगा, तो जैसा हमने टाइमिंग डायग्राम्स पिछले काउंटर्स में डिजाइन करे थे सेम प्रोसेस यहां पर है, बट कंडीशन सिर्फ एक जो एक्स्ट्रा ऐड हो रही है वो हो रही है एम इक्वल टू जीरो और एम इक्वल टू वन की। अब केस सेकंड क्या कहता है, केस सेकंड है आपका एम इक्वल टू वन, तो जब एम इक्वल टू वन होगा तो डेफिनेटली एम कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी जीरो, तो अगेन आप टी थ्री में वैल्यू पुट करेंगे तो एम की वैल्यू वन रखेंगे तो एम कॉम्प्लीमेंट जीरो, तो ये पोर्शन पूरा जीरो हो जाएगा और ये आपको क्या देगा क्यू टू बार इंटू क्यू वन बार। टी टू में अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो एम की वैल्यू अगर वन पुट करेंगे तो एम बार ये आपका जीरो हो जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा आपको क्यू वन बार और टी वन इक्वल टू वन। क्लियर, तो डाउन काउंटिंग के लिए एम इक्वल टू वन टी थ्री किससे कनेक्ट होगा क्यू टू बार और क्यू वन बार से, और टी टू डायरेक्ट कनेक्ट होगा क्यू वन बार से। तो कंडीशन क्या है कि टी वन तो हमेशा वन से कनेक्ट है। क्लियर, तो फ्लिप फ्लॉप वन आउटपुट स्टेज टॉगल्स फॉर एवरी फॉलिंग एज, मतलब हर एक क्लॉक एज पे, जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा है देखिए, जैसे ही क्लॉक आई टॉगल हो गया, यहाँ क्लॉक आई ये टॉगल हो गया वन टू जीरो, नेक्स्ट क्लॉक में जीरो टू वन चला गया, वन टू जीरो चला गया, कि हर क्लॉक पे जहां भी क्लॉक आपकी डाउन आ रही है वहां पे आपके ट्रांजिशन हो रहे हैं फॉर क्यू वन। क्लियर, टी वन के केस में द आउटपुट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप टू विल टॉगल व्हेन क्यू वन बार इक्वल टू वन। ओके, तो जब भी क्यू वन बार की वैल्यू वन होगी उसी कंडीशन में आपके, तो क्यू वन मतलब कि देखिए क्यू वन बार की वैल्यू जब वन होगी तभी ये टॉगल होगा। तो देखिए ये वन है टॉगल हो गया 0 टू 1, अब यहां 0 थी तो कोई टॉगल नहीं होगा, वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। ओके, तो इस तरीके से आपके ये आउटपुट्स चेंज होंगे। क्लियर, ऐसे ही द आउटपुट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप 3 विल टॉगल ओनली व्हेन Q2 बार एंड Q2 बार इनटू Q1 बार इक्वल टू 1 एंड द फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स ऑकर्स। तो जब भी फॉलिंग एज आएगा नेगेटिव एज आएगा जब क्लॉक का, और जब कंडीशन ये फुलफिल होगी तभी आपका तीसरा वाला जो फ्लिप फ्लॉप है, ये तो थर्ड फ्लिप फ्लॉप है, ये अपनी कंडीशन को चेंज करेगा, वन टू जीरो जीरो टू वन करेगा। ओके सो आई होप ये दोनों केस आपके समझ में आ गए होंगे, ये टाइमिंग डायग्राम आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से, एक बार पॉइंट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो कैसे वेव फॉर्म्स को डिजाइन करना है, जीरो वन टू थ्री कैसे लिखेंगे वो उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं या आप इसे खुद बना सकते हैं। देन ये के मैप मैंने आपको समझा दिया, ये डायग्राम मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। आई होप थ्री बिट सिंक्रोनस अप एंड डाउन मींस जो दोनों ही परफॉर्म कर रहा हो प्रोसेस, उसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है या कहीं भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है या कहीं आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आई होप अब आप इसको अच्छे तरीके से समझा सकेंगे। आपको इस सेक्शन में कोई भी अगर डाउट है, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम असिंक्रोनस अप डाउन काउंटर की प्रोग्रामिंग मतलब डिजाइनिंग पढ़ेंगे, किस तरीके से थ्री एक असिंक्रोनस काउंटर या एक सर्किट अप काउंटिंग और डाउन काउंटिंग विद द हेल्प ऑफ एम कंट्रोल सिग्नल, एक कंट्रोल सिग्नल एम जो है हमारा, उसकी हेल्प से कैसे हम दोनों ही तरीके की काउंटिंग को कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। ओके सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।